हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एमबीए टू जेड। तो आईआईएम बेंगलोर का बारे में थोड़ा सा क्रूशियल एनालिसिस करेंगे। आईआईएम बेंगलोर में देखो, जनरल इंजीनियर मेल प्रोफाइल होगा तो आपको 99.87 के आसपास होगा, तो ही आपको कॉल आएगा विद वर्क एक्स, तभी जगह आएगा। और क्या है ना, जो आपको नॉन इंजीनियर प्रोफाइल होगा तो आपको 97, 98, 99.99 आपको कॉल आ जाएगा। जनरल इंजीनियर मेल में जिसका वर्क एक्स नहीं है, 99.9x नहीं होने से आपको कॉल नहीं आएगा आईआईएम बेंगलोर से। लेकिन एक बात है, आई एम बेंगलोर में दोनों कोर्स है पीजीपी का। ओके, सो व्हिच इज द पीजीपी, दैट इज वन इज पीजीपी एंड नेक्स्ट इज दैट पीजीपी बीए। मतलब क्या है ना, बिजनेस एनालिटिक्स में आपको एमबीए किया जाता है। तो वहां पर जो बिजनेस एनालिटिक्स में एमबीए किया जाता है आई एम बेंगलोर से, थ्रू कैट होता है वो, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है ना, वहां पर जो आपको बिजनेस एनालिटिक्स में कभी कभी 94, 95 में भी आपको कॉल आ जाता है, जिसका बिजनेस एनालिटिक्स रिलेटेड वर्क एक्स है, जो इंजीनियर है उसमें काम करता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे होता है कि जे आपको हो सकता है कि आप बहुत अच्छा जाएगा, जैसे ग्रेजुएशन का परसेंटेज जब आपको हाई है, 10-12 का मार्क्स आपको हाई है, क्योंकि अभी 10-12 का मार्क्स ही आप देख रहे हैं, देर इज नो ग्रेजुएशन मार्क्स। सो एनी वे, तो क्योंकि बिजनेस एनालिटिक्स में बहुत कम परसेंटेज में पीजीपी से, मेन पीजीपी से कम परसेंटेज में हो जाता है। अदरवाइज क्या होगा ना, आपको क्या है ना, आपको 99.9x, मतलब क्या है ना, 789, तभी जाकर आपको कॉल आएगा, अदरवाइज आपको नहीं आएगा आईआईएम में, आईआईएम बेंगलोर का बात कर। उसके बाद क्या है ना, जे यहाँ पर आईआईएम बेंगलोर में एक चीज़ बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर जो आपको वर्क एक्स है, वर्क एक्स को क्वालिटी ऑफ वर्क एक्स में माना जाता है। ओके, तो क्या है ना, जे आपका पूछा जाएगा, आप जो लिखे होंगे उस टाइम, जब अप्लाई करेंगे उस टाइम लिख देंगे आप, जे क्या है ना, जे मैं तो कोडर हूँ। अब कोडर है वो, मतलब क्या है ना, जब आप क्या कोडिंग करते हैं भगवान जानता है उसको। आपको वो आपको क्या है, बिल्कुल आपको पूछ लेगा कि जी यस यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ थिंग। ओके, सो इट इज लाइक दैट। तो उसके बाद क्या है ना, जब आपको पूछा जाएगा, जे हो सकता है कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, अप्लाई कर चुके हो, ठीक है ना। तो आपको क्या पूछा जाएगा, अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप जहाँ काम कर चुके हो वहाँ पर क्या इनोवेशन। ओके, और क्या होता है ना, जब आपको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आप क्या कर चुके हो, आप क्या इंप्लीमेंटेशन कर चुके हो, तो ऐसे ही पूछा जाता है। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ वर्क एक्स। और अदरवाइज जो कन्वेंशनल आपको ये है, आपको दे आर इज क्वालिटी ऑफ वर्क एक्स में, वर्क एक्स का जो आप बात करेंगे उन लोग, उसमें आपको जीरो दे देगा, देर इज नो मार्क्स। ओके, सो इट इज लाइक दैट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आई एम बेंगलोर इज दैट, क्या है ना, जो आपको क्या है ना, जो इंटरव्यू का टाइम पे आपको रोकना नहीं है, रोकिएगा तो आपको ऑटोमेटिक आपको हो जाएगा खत्म। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे टू स्टे इन आई एम बेंगलोर। सो ऐसे ही है। तो क्या है ना, जो आई एम बेंगलोर आपको मिलने के लिए, अगर आपको स्टे करना है आई एम बेंगलोर में, क्या है ना, आपको फाइट करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे, फाइट करके आपको लाना होगा उसको। तो ऐसे ही मैं बताता हूँ, जो क्या है ना, वहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ है। ओके, आई एम बेंगलोर में ऐसा नहीं है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ है उसमें, लेकिन क्या है ना, अहमदाबाद से भी ज़्यादा है। ओके, सो इट इज़ लाइक दैट, 80 80 80, कभी कभी 80 85 80 करके देता है। जनरली बीआरसी में 85, डीआईएलआर एंड क्वांट में 80 80 करके रखता है। ओके, तो बिजनेस एनालिटिक्स में जो मैं बताता हूँ उसमें क्या है ना, इंडियन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा वो, क्योंकि बिजनेस एनालिटिक्स में जिसका कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड हो, या आईटी बैकग्राउंड हो, कि या बीसीए एमसीए करके जो किया है, उसको बिल्कुल प्रेफरेंस होगा बिजनेस एनालिटिक्स में, क्योंकि बिजनेस एनालिटिक्स का एक्सपीरियंस जो है ना बहुत मायने रखता है। क्योंकि आपको कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ पर जाकर आपको लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, पाइथन या आर, नहीं तो आपको क्या है ना, जैसे सी सी प्लस प्लस जावा ये सब सीखना पड़ेगा, तब जाकर आपको क्या है ना, बिजनेस एनालिटिक्स में आप काम कर पाएंगे। उसके बाद क्या है ना, हो सकता है कि आप दूसरा ब्रांच से आपको जा सकता है, लेकिन क्या है ना भाई, आपको मालूम होना चाहिए जो वहाँ पर आपको आपको पता है ये सब लैंग्वेज, नहीं तो लैंग्वेज नहीं सीखने से नहीं होगा। तो क्या है ना, जो आई एम बेंगलोर मिलने के बाद भी आप कर सकते हो, सीख सकते हो, ऐसा कुछ आपको करना चाहे वार फुटिंग स्टेज में आपको सीखना पड़ेगा। और एक चीज़ है ना, आपका रॉकेट साइंस ऐसा कुछ नहीं है कि जो उसमें आपका नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सो इट इज़ लाइक दैट। सो बिजनेस एनालिटिक्स का बात करेंगे तो बहुत बड़ा एरिया है वो नाउ डेज, बिकॉज इट इज़ ग्रोइंग एंड यू कैन सी दैट लॉट्स ऑफ आईआईएम एंड एज वेल एज द अदर बीज गुड बीज स्कूल्स। ओके, तो मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, आईआईएफटी में आपको बिजनेस एनालिटिक्स आ गया दिल्ली में। उसके बाद क्या है ना, जो आपको कोई कोई आई एम में अलग कर, आई एम में क्या होता है ना, जो आपको सब्जेक्ट के अंदर में घुसा दिया गया है, लेकिन क्या है ना, जो आई एम बेंगलोर अलग करके पढ़ा रहा है, आई एम कलकत्ता अलग करके पढ़ाता है, क्योंकि आई एम कलकत्ता का एग्जाम अलग है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स। ओके, तो अलग करके वो पढ़ाता है, तो उसका जो आईएसआई के साथ, आईआईटी खड़गपुर के साथ पैचअप है। सो इट इज़ लाइक दैट। तो क्योंकि ये जो डिफरेंस जो है ना, व्हाट इज़ पीजीपी एंड व्हाट इज़ पीजीपी बीए, तो उसका
डिफरेंस आपको पता होना चाहिए आई एम बैंगलोर का, अदरवाइज क्या होगा ना, आप वहाँ पर जाकर ना बिल्कुल आपको गंडगोल होता रहेगा। आप बिजनेस राइटिंग में अप्लाई कर दिया हुआ, वहाँ से भी कॉल नहीं आएगा, पीजीपी में इंटरव्यू दोगे वहाँ पर नहीं होगा। तो आई एम बैंगलोर में क्या है ना, जो आपको बिल्कुल आपको बैकअप लेके चलेगा, क्योंकि बैकअप मतलब क्या ना, कोई भी आपको आई एम के इंटरव्यू में खराब होगा तो आप आई एम बैंगलोर में मौत सोचिए कि आपको हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जो आई एम बैंगलोर में हो गया, हो सकता है कि आई एम लखनऊ इंदौर में आपको कट गया। सो इट इज़ योर लक एंड गॉड ब्लेस यू गाइस एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।